एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसके टोटल फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, हॉस्टल की फीस, मैथ्स की फीस, सारी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो की डिमांड बहुत टाइम से की जा रही थी, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो लेके आई है। किरण साजी ने मुझको मैसेज किया था कि सर बीएससी हॉर्टिकल्चर की जो मेरी फीस है वो 2560 रुपीज डिपॉजिट हुई है, क्या वो सही है गलत है, और हॉस्टल की फीस के बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है जिस पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। जब हम ये फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं, ये वर्ड की फाइल में डाउनलोड होता है, इसको हमने एक्सेल में ले लिया है। इस फीस स्ट्रक्चर के बहुत सारे पार्ट हैं, पहले एक एक पार्ट की बात करते हैं। तो जो पहले नंबर पे कहा गया है यहाँ पर, उसमें वन टाइम और एनुअल फीस के बारे में बताया गया है। ये आपको एक बार डिपॉजिट करनी होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 80 रुपए की, वो आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म जब फिल किया था तभी सबमिट कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट फीस है, वो 200 रुपए है सबके लिए। आइडेंटिटी कार्ड फीस है 40 रुपए, पुअर स्टूडेंट असिस्टेंट फीस है 20 रुपए, और रीडिंग रूम फैसिलिटीज की जो फीस है वो है 50 रुपए। ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद नीचे दूसरे नंबर पे जो पार्ट दिया गया है वो है आपका मंथली फी, पेबल ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। ये आपको हाफ ईयरली बेसिस पे सबमिट करनी होगी, या आपने जो भी फी डिपॉजिट की है या आप करेंगे उसमें ये आपसे ले ली गई है। किस तरीके से ली गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर दिया गया है वो देख सकते हैं। पहले नंबर पर स्पोर्ट फी दी गई है 30 रुपए, उसके बाद कोर्स ऑब्लिक ट्यूशन फीस करके लिखा गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो बीए बीएससी बीकॉम बीए ऑनर्स के जो कोर्स है उनको पर मंथ 75 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे, लेकिन ऊपर लिखा है यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस। सेम पैटर्न नीचे दिया गया है, एमएससी एमए एमकॉम एमएससी बायोटेक 100 रुपए पर मंथ है। उसके बाद है बीएड एमएड एमए नॉन फॉर्मल एजुकेशन 200 रुपए पर मंथ है, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हाफ ईयरली बना लीजिएगा। ऑल अंडर ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा कोर्स 150 रुपए। यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम अप्लाई कर रहे हैं तो 75 रुपीज देंगे 6 महीने के हिसाब से, और यदि आपने कोई डिप्लोमा कोर्स लिए हैं अंडर ग्रेजुएट और पीजी पर उसके आप 150 रुपए देंगे पर मंथ, यानी 6 महीने के हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एलएलबी की फीस दी गई है 200 रुपए पर मंथ दी गई, बीटेक की 11,000 रुपए पर सेमेस्टर दी गई है। यहाँ पर सेमेस्टर आ गई है, जितने भी सेमेस्टर होंगे वन ईयर में, अगर आपके दो सेमेस्टर हैं तो आप सिंगल कर लीजिएगा, एक सेमेस्टर की फीस आपको देनी पड़ेगी वन टाइम में। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की फीस है 5,000 रुपए, एमए योगा की है 2,500 रुपए, ये पर सेमेस्टर फीस है आपकी। जितने भी आपके सेमेस्टर होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डिपॉजिट करनी होगी हाफ ईयरली बेसिस पर। पीजी डिप्लोमा इन योगा 1,800 रुपए पर सेमेस्टर है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक, इसकी फीस यहाँ पर 7,500 रुपए पर सेमेस्टर ओबली 15,000 रुपए पर सेमेस्टर है। यहाँ पर सेमेस्टर डिवाइड कर दिए गए हैं, 1 to 6 सेमेस्टर दिया गया है उसकी 7,500 रुपए है, और फिर आपका 7 से लेकर 10 सेमेस्टर दिया गया है उसकी 15,000 रुपए है। इसको आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर जो दी गई है एमबीए की फीस है पर सेमेस्टर 10,000 है, बीपीएड की 2,500 पर सेमेस्टर है, एमबीए की जो फीस है वो 10,000 है, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म की जो फीस है वो 2,500 रुपए पर सेमेस्टर है, मैथ इन कंप्यूटर साइंस एमसीए की 10,000 रुपए है, बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 4 ईयर कोर्स है आपका ये 500 रुपए पर सेमेस्टर फीस से इसकी। किरण साजी की फीस की कैलकुलेशन यहीं से करेंगे, 500 रुपए पर सेमेस्टर है। आगे चलते हैं, उसके बाद है एमएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री रूरल, ये आप देख लीजिएगा 1,200 रुपए पर सेमेस्टर है। पीएचडी की जो फीस दी गई है 500 रुपए है, लेकिन स्टार लगा है ऊपर, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बारे में नीचे लिखा गया है 6 मंथ कोर्स फी ऑफ ₹3,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एवरी पीएचडी स्टूडेंट हैज टू रिन्यू हिज हर एडमिशन बाय पेइंग 790 ओनली। तीसरे नंबर पे कहा गया है एडिशनल स्पेशल फी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कोर्स, कौन सा कोर्स है यहाँ पर, एलएलबी है, एलएलबी में ये 100 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। स्टार लगा है यहाँ पर एक, उसको भी रीड कर लीजिएगा आप। उसके बाद कॉजन मनी दी है जो रिफंडेबल होगी आपकी। यहाँ पर ऑल अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑल पीजी और पीजी डिप्लोमा कोर्स की जो फीस दी गई है वो 300/500 रुपीज दी गई है। उसके बाद जो पीएचडी की मनी दी गई है वो 1000 दी गई है। इन केस कोर्स विद प्रैक्टिकल, अगर आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोर्स होंगे तो उसमें अंडर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की फीस 200 रुपीज है, और ऑल पीजी ऑब्ली पीजी डिप्लोमा कोर्स की जो फीस है वो 500 रुपीज है, एक्सेप्ट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमसीए, उसको छोड़ दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमसीए की यहाँ पर दे दी गई है, उसकी फीस 1000 रुपीज है। बीटेक ऑल ब्रांचेज 5000 रुपए फीस रखी गई है। अदर मिसलेनियस फीस है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फीस है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फीस है, डुप्लीकेट फी रिसिप्ट है, डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड फीस है, ये आप देख लीजिएगा, ये मिसलेनियस फीस है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर वेरियस सर्टिफिकेट डिग्री ऑब्ली सर्टिफिकेट फीस, ये आपको इन फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, जब कभी आप अपनी माइग्रेशन निकलवाएंगे या डुप्लीकेट माइग्रेशन आपको निकलवानी होगी, तो पहली बार माइग्रेशन निकलवाएंगे तो 150 रुपए फीस डिपॉजिट होगी, और अगर आप डुप्लीकेट माइग्रेशन निकलवाएंगे तो 800 रुपए होगी। ये बाद की फीस है सारी की सारी, ये भी आप नोट
कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री की फीस दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, एक ही फीस स्ट्रक्चर के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी गई है। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही यूनिवर्सिटी ने अपने फीस स्ट्रक्चर के अंदर दी हुई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर फीस, देखिए एग्जामिनेशन फीस भी आपको अभी डिपॉजिट करनी होगी, उसको देख लीजिए आप। वन टाइम फी ऑफ ऑल कोर्सेज जो दी गई है, डिग्री फी फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट, ये उनकी है 250 रुपए जो फाइनल ईयर में होंगे, अभी आपकी नहीं होगी ये। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी फॉर न्यू स्टूडेंट कोर्स ऑफर्ड बाय सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस वाले होंगे स्टूडेंट, उनको ये सबमिट करनी होगी 1200 रुपए। एग्जामिनेशन फीस रेगुलर कोर्स बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर बीए ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स पर सेमेस्टर ऑब्ली एनम, तो ये 750 रुपए फीस है आपकी यहाँ पर। उसके बाद एमए एमएससी एमकॉम एमएससी काफी सारे प्रोग्राम है, आप देख लीजिएगा 850 रुपए फीस रखी गई है। बीएड एमएड की 850 रुपए पर सेमेस्टर है, एलएलबी की जो पर सेमेस्टर प्लस प्रैक्टिकल वाइवा ओल्ड ये सब आप देख लीजिएगा 700 रुपए प्लस 250 रुपए फीस रखी गई है। एमफिल की जो फीस है वो 900 रुपए रखी गई है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर है एग्जामिनेशन फी फॉर एक्स स्टूडेंट रेगुलर कोर्सेज, इनकी फीस दी गई है बीए बीएससी बीकॉम 1200-1400, आप इसको देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर पे लिखा है यहाँ पर बैक पेपर एग्जामिनेशन फी फॉर रेगुलर कोर्स, जो रेगुलर कोर्स है उसके लिए बैक पेपर की जो फीस दी गई है बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एमए एमएससी एमकॉम एमएससी एग्रीकल्चर बीएड एमएड एलएलबी वो है आपकी 250 रुपए पर पेपर। उम्मीद करेंगे कि आपको बैक पेपर ना ही देना पड़े, आपको ये 250 रुपए ना देने पड़े। उसके बाद है एग्जामिनेशन फी फॉर प्रोफेशनल एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बहुत सारे कोर्स लिखे हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। उसके आगे यहाँ पर फीस लिखी है आपकी पर सेमेस्टर 1600 रुपए। उसके बाद यहाँ पर है आपका एमबीए, सबकी यहाँ पर फीस इन्होंने दे दिया, आप इसको रीड कर लीजिएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फी फॉर बीएएमएस ओनली 2000 रुपए दी गई है, एग्जामिनेशन फी फॉर एक्स स्टूडेंट एलएलएम ओनली 2600 रुपए दी गई है, ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। रूल ऑफ रिफंड ऑफ फीस, फीस कैसे रिफंड होगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी और जो यूजीसी के नियम है उसी के अकॉर्डिंग उसी के तहत आपको ये फीस वापस हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि हमको अपनी फी वापस चाहिए, अपना एडमिशन कैंसिल करना है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं फी कैलकुलेशन की, उससे पहले चलिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस भी देख लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है आपके उनकी फीस देख लीजिए आप। बी फार्मेसी की जो फीस रखी गई है वो 42000 रुपए है, और इसके अंदर 5000 रुपए आपके रिफंडेबल मनी है जो आपको डिपॉजिट करनी होगी, ये आपकी एनुअल फीस है। बीएचएम की 30000 रुपए एनुअल फीस है, बीलिप की 12000 रुपए एनुअल फीस है, 50000 रुपए एम फार्मा की पर सेमेस्टर फीस है, ध्यान रखिएगा 5000 रुपए आपकी इसमें रिफंडेबल मनी है जो आपको अलग से जमा करनी होगी। एमएससी की जो फीस है वो आपकी एनुअल है 40000 रुपए। उसके बाद एमएससी रिमोट सेंसिंग की फीस जो है 20000 पर सेमेस्टर है। एमए एजुकेशन की फीस 10000 रुपए एनुअल है। बीएड की पौड़ी कैंपस की 25000 रुपए एनुअल फीस है। एमएसडब्ल्यू की 5000 पर सेमेस्टर फीस है। एलएलएम की जो फीस है वो 20000 रुपए एनुअल है। उसके बाद डीएसपीएस की जो फीस है 750 रुपए पर सेमेस्टर रखी गई है। एमए ड्राइंग की फीस 7000 रुपए एनुअल रखी गई है। बीए ड्राइंग जो एसआरटी टीरी की है उसकी 5000 रुपए एनुअल रखी गई है। एमपीएड की जो फीस है 20000 रुपए एनुअल रखी गई है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की जो फीस है वो 25000 रुपए एनुअल रखी गई है। ये आपके सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है जिनकी ये फीस स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम फीस की कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी। देखिए सबसे पहले यहां पर हम बीए की फीस ले लेते हैं। अभी आपने जो डिपॉजिट करी है बीए की फीस उसकी जो रिसिप्ट जनरेट होकर आई है वो कुछ इसी प्रकार से आपके सामने आई है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो 300 रुपए है वो आपके रिफंडेबल मनी है जो आपकी डिपॉजिट हुई है। वो फीस स्ट्रक्चर में आपकी कहाँ से आई है अगर आप उसको देखेंगे तो ये रही आपकी फीस यहाँ पर, रिफंडेबल जो मनी थी। ऑल अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, ऑल पीजी और पीजी डिप्लोमा कोर्स की जो फीस है वो 300 और 500 है। यानी कि यहाँ पर हमारा अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है तो 300 रुपए हमारे यहाँ पर उठकर आ गए हैं, ये हमारी 300 रुपए की फीस आ गई है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस 750 रुपए है, इसको भी आप देख लीजिए। हम एग्जामिनेशन फीस वाले में चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन फीस। इसके अंदर यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम इसकी जो फीस दी गई है वो 750 रुपए फीस दी गई है, तो हमारे 750 रुपए यहाँ पर ये उठ के आ गए हैं। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की फीस है, पुअर बॉयज असिस्टेंट फीस है, उसके बाद रीडिंग रूम फैसिलिटीज की फीस है, इन सबको हम एक साथ देख लेते हैं। ये आपकी सारी की जो फीस है यहाँ पर पहले नंबर पर ये आपको मिल जाएंगी, ये आपसे यहाँ से ली गई है। 200 रुपए यहाँ पर एनरोलमेंट फीस भी है, वो भी आपसे यहाँ पर ले ली गई है 200 रुपए एनरोलमेंट फीस। अब रह गई है आपकी ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस का चार्ट है। ट्यूशन फीस जो है वो 75 रुपए पर मंथ दी गई है और ये हाफ ईयरली बेसिस पे आपसे फीस ली जा रही है, यानी कि 75 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने से, तो इस तरीके से ये फीस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। 1810 रुपए आपने डिपॉजिट किए होंगे। अब बात करते हैं किरण शाह जी की। किरण शाह जी ने फीस डिपॉजिट की है बीएससी हॉर्टिकल्चर की, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर की फीस
आपने डिपॉजिट करी है उसमें जो आपकी 1000 मनी रिफंडेबल मनी है वहां चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, आपकी 1000 रुपए फीस है। यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट ऑब्लिक पीजी कोर्सेज इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको 1000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, तो आपकी 1000 रुपए फीस ले ली गई है। यहाँ पर 1000 रुपए आ गए आपके। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस 750 रुपए ली गई है। एग्जामिनेशन फीस बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर भी है इसके अंदर, इसलिए आपकी ये जो फीस है 750 रुपए है, हमने यहाँ पर 750 रुपए इसके लिए लिए हैं। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की फीस पूरे वो सारी की सारी सेम है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और आपकी एनरोलमेंट फीस भी देख लेते हैं। अब हम आपकी ट्यूशन फीस देख लेते हैं वो कैसे आई है। तो जो ट्यूशन फीस है आपकी वो हाफ ईयरली बेसिस पे होगी, बीए के लिए 75 रुपए पर मंथ थी, लेकिन आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमको ये मिल गया है, ये है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 4 ईयर कोर्स। इसकी जो पर सेमेस्टर फीस है वो 500 रुपए रखी गई है और आपके एक साल में 2 सेमेस्टर है, लेकिन ये जो फीस आपसे ली जा रही है वो आपसे हाफ ईयरली बेसिस पे ली जा रही है, तो ये आपसे 500 रुपए ली जाएगी, 1000 रुपए नहीं ली जाएगी। तो 500 रुपए आपसे ये फीस ले ली गई है, टोटल अब आपका इसका जो आ गया वो 2560 रुपए आ गया है। तो इस प्रकार आपसे जो फीस ली गई है वो सही ली गई है, आपकी फीस ओके है। और भी स्टूडेंट जो है वो अपनी फीस इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या उनसे फीस सही ली गई है कि गलत ली गई है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल की फीस की। हॉस्टल की फीस जो दी गई है वो भी 2 टेबल में दी गई है। पहले नंबर पर एनुअल फीस दी गई है, एनुअल फीस का जो बाइफरकेशन है उसको आप देख लीजिए। पहले नंबर पर एडमिशन फीस है, दूसरे नंबर पर आई कार्ड चार्जेस है, फिर 1000 मनी है जो रिफंडेबल हो गई, रिकॉर्ड बुक चार्जेस है। यहाँ पर जो फी लिखी है बॉयज हॉस्टल के लिए वो देख लीजिए आप, एडमिशन फीस 30 रुपए होगी, आईडी कार्ड जो होगा आपका 40 रुपए में बनेगा, और जो आपकी रिफंडेबल मनी है वो 1000 रुपए होगी, यानी टोटल आपका जो हो गया 1070 रुपए हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा चार्ज दिया गया है फॉर रिसर्च बॉयज हॉस्टल, उसके लिए भी सेम है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए ये फीस 30 रुपए बढ़ जाएगी, 1100 रुपए हो जाएगी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बुक चार्ज लिया गया है 30 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी जो टेबल दी गई है रिसर्च गर्ल हॉस्टल की दी गई है, और उसके बाद हायर स्टडीज गर्ल्स हॉस्टल की फीस दी गई है जो 1100 रुपए होगी एनुअली। इसमें बॉयज के लिए जो है 1070 रुपए है और जो गर्ल्स है उनके लिए 1100 रुपए है। जो दूसरा पार्ट है वो मंथली फी का है, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। रूम रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कॉमन रूम है, स्पोर्ट्स फीस है और अदर एमिनिटीज चार्जेस है, उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा। जो 3 सीटर हॉस्टल होगा उसमें आपको क्या करना होगा, वहां पर रूम रेंट जो है वो आपको 100 रुपीज देने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के 60 रुपए देने होंगे, कॉमन रूम के 25 रुपए देने होंगे, स्पोर्ट्स की जो फीस होगी वो 25 रुपए देनी होगी और अदर एमिनिटी चार्ज है वो 30 रुपए देना होगा। यानी आपकी जो एक महीने की फीस हो जाएगी हॉस्टल में रहने की वो 240 रुपए हो जाएगी यदि आप 3 सीटर वाले हॉस्टल या रूम के अंदर रहेंगे। उसके बाद अगर आप 2 सीटर वाले में रहेंगे तो यहाँ पर रूम का रेंट 130 रुपए हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी 70 रुपए हो जाएंगे और बाकी चार्जेस सेम रहेंगे, तो 280 रुपए पर मंथ हो जाएगा आपका 2 सीटर का। उसके बाद यदि आप सिंगल सीटर में रहेंगे, 1 सीटर में रहेंगे, तो उसके आपको 200 रुपए देने होंगे रूम रेंट के, 80 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के देने होंगे, कॉमन रूम 25 रुपए, 25 और 30 रुपए ये सेम है, यानी 360 रुपए हो गए आपके। अब हायर स्टडीज गर्ल्स हॉस्टल जो होगा उसमें आपकी जो रूम रेंट होगा वो 250 रुपए होगा, इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपए होंगे और बाकी चार्जेस सेम होंगे, टोटल 430 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी बाई मंथली फीस होगी। ऊपर आपको जो फीस दी गई है यहाँ पर ये एनुअल फीस दी गई है। अब हम इन दोनों से मिला के आपकी टोटल फीस बना के देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन आती है सामने। तो आपने देख लिया है 1070 रुपए और 1100 रुपए तक है ये। उसके बाद ये आपकी बाई मंथली फीस है 240 रुपए, 280 रुपए, 360 रुपए, 430 रुपए। ये आपकी सीट के अकॉर्डिंग होगी कि कौन सा सीटर आपने हॉस्टल लिया है। अब ये कैलकुलेशन हम पूरे साल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये 240 रुपए फीस थी यहाँ पर 3 सीटर की पर मंथ थी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साल भर की बनाने के लिए, 2880 रुपए आपकी एनुअल फीस हो जाएगी। 1070 रुपए आपके टेबल नंबर 1 में पहले से ही आपको एनुअल फीस दे रखी है, इसको आप इसमें जोड़ लेंगे तो 3950 रुपए आपको 3 सीटर हॉस्टल की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे साल की। इसी तरीके से यदि गर्ल्स के लिए फीस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम ये फीस चेंज कर देंगे, 1100 रुपए हो जाएगी, 3980 रुपए हो जाएंगे गर्ल्स के लिए। यदि आप 2 सीटर हॉस्टल लेते हैं तो 280 रुपए फीस है उसकी पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3360 रुपए हो जाएंगे, 1070 रुपए आपको एनुअली देने हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 4430 रुपए। गर्ल्स के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा तो ये फीस हो जाएगी 4460 रुपए। यहीं पर आपको 360 रुपए देने हैं सिंगल सीटर के, यानी 1 सीटर जो हॉस्टल होगा उसकी फीस है 360 रुपए, 12 मंथ से कैलकुलेट करेंगे तो 4320 हो जाएंगे। एनुअल फीस 1070 रुपए फीस है बॉयज के लिए, टोटल हो जाएगा आपका 5390 रुपए। इसको गर्ल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फीस चेंज करनी होगी, फीस हो जाएगी 5420 रुपए। ये लास्ट वाला जो है 430 रुपए ये गर्ल्स के लिए ही है, इसकी जो फीस रखी गई है मंथली 430 रुपए है, साल भर से कैलकुलेट करेंगे तो 5160 रुपए हो जाएगा, 1100 रुपए एनुअल फीस है तो टोटल हो जाएगी 6260 रुपए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये कैलकुलेशन आपके सामने, ये हो गई आपकी एनुअल फीस हॉस्टल की जो आपको पेड करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये जो आपकी एनुअल फीस है
इसमें से 1000 रुपए आपके रिफंडेबल है जब आप हॉस्टल छोड़ गए तो आपको ये वापस मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैस फीस, जो आपकी खाने पीने की जो फीस है उसके जो पैसे हैं वो है 2500 रुपए मंथली। इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं मिलेगी और ना ही आपको जो हॉस्टल का आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर है उसके अंदर दी गई है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ये ऊपर नीचे जाएगी। अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके अनुसार 2500 रुपए के आसपास आपकी मैस की मंथली फीस हो सकती है। इसको आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा मंथ के हिसाब से। मैंने ये पहली वाली वीडियो में एनुअली जोड़ दिया था, मुझको अर्पित जी ने करेक्ट किया, तो धन्यवाद अर्पित जी आपका। इन्फॉर्मेशन देते रहिए, मदद करते रहिए, गलती हो जाती है। तो ये 2500 रुपए जो आपकी फीस है ये मंथली है, इसको आपको मंथली देना होगा। इसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का आपके सामने लेके आ गए हैं। इसमें हॉस्टल की फीस को भी हमने कवर कर लिया है और यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको भी कवर कर लिया है। एक मैसेज आया था, उस मैसेज पर ही हमने ये वीडियो पूरी की पूरी तैयार कर दी है। किरण शाह जी का धन्यवाद कि उनके कहने पर ये वीडियो बन गई है। उसके बाद यदि आप और भी स्टूडेंट हैं जो आप चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस पे कोई इन्फॉर्मेशन लेके आई जा सकती है, वीडियो बनाई जा सकती है, तो कमेंट कीजिए, बताइए। कैस्परटेक के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल बना दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कैस्परटेक डिस्कशन के नाम से ग्रुप बना दिया है, वहां पर आ सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट वहां पर आपस में शेयर करते रहते हैं, आपको भी मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा। मैं आपके सारे कमेंट के जवाब बहुत लेट दे पाता हूं, तो वहां पर आप रहेंगे तो आप जल्दी से अपडेट होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको जल्दी मिलती रहेगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।